पदाधिकारियों को मेरी ओर से जय जोहार। और आप सभी उपस्थित यहाँ मेरे माता पिता, भाई बहन और जितने भी बच्चे हैं, आप एक योद्धा है, आप एक योद्धा है। और इस लड़ाई में, इस संघर्ष की लड़ाई में जो आप संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, ये सचमुच बहुत हमको आनंदित करता है। और यदि आप जमीन पर लड़ाई नहीं करते तो हमारे लोग शासन प्रशासन से लड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि रायमुनि भगत के द्वारा किस प्रकार से हमारे आराध्य ईसा मसीह के बारे में टिप्पणी की गई है, यह सचमुच बहुत दुखद घटना है। क्योंकि भारत में संविधान में सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है कि नहीं? यदि हमारे लोग कोई ऐसा बोले तो सभी को जेल डाल दिया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं मुझे यहाँ बताइए, क्या चाहते हैं? जोर से बताइए, जोर से बताइए, क्या चाहते हैं? लड़ना है। मैं तो एक बात कहती हूँ, यदि मेरा रिश्तेदार को कोई कुछ बोलेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, यदि मेरे परिवार को कुछ बोलेगा मैं फिर भी सुन लूंगी, यदि कोई मेरे ईसा मसीह के बारे में बोलेगा तो मैं आज कहती हूँ उसकी ईंट से ईंट मिलाऊंगी। मैं आज कहना चाहती हूँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी के लिए समान संविधान, समान कानून लागू होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि वो भी समान कानून लागू करे, क्योंकि यदि बुराई हुआ भी है हमारे साथ तो हमारा खून बदल गया क्या? नहीं, हम आज भी भारतीय हैं, कल भी भारतीय थे। ये आप सभी के बिना संभव नहीं है। इस लड़ाई में आपको एकजुट होकर लड़ना है। यदि आप यहाँ लड़ेंगे तो हम संसद तक पहुँचेंगे। और हमको एकता में एकजुट होकर रहना है, क्योंकि हमने धर्म के चक्कर में अपने देश को बर्बाद होते हुए देखा है। आज हम अपनी मसीहत को बर्बाद होने नहीं देंगे। मैं एक बात हमेशा कहना चाहती हूँ और आज भी कहूँगी, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना कुरान बुरा है। अरे भेजे में जो इस शैतानियों के घुसा है ना, वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। और मैं एक बात कह के अंत कहना चाहती हूँ, हम लोगों की लड़ाई के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया जिसमें सभी को सेम अधिकार प्राप्त है। और मैं माननीय विधायक जी से यह कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की नस्लें आज भी जिंदा है।